हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास डेस्क। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के एक सब टॉपिक को, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स बहुत इजी सा टॉपिक है। इसमें अपने को एग्जाम में 7 तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि तुम लोग कोई भी यूजी एंट्रेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो मिस ना कर सको। सारी अपडेट्स चैनल पे आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले ये क्वेश्चन, ये पहला स्टेप ऑफ दी क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो जैसे कोई भी अपने पास नंबर हो, उसको हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। सपोज कि हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से 44। ठीक है, अब इसका हम लोग जैसे एलसीएम अप्रोच यूज करें, तो 2 22 आ गया, फिर अगेन 2 से डिवाइड करें तो 11 आ गया। ठीक है, सो अपने पास 44 पर क्या प्राइम फैक्टर्स हुए, दैट इज 44 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 11। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। ये अब हमारा स्टेप 1 होगा कोई भी क्वेश्चन को अप्रेस कर। अब मतलब इसका मतलब हमारे पास कोई भी जो नंबर दिया रहेगा, उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे। लेट्स से द नंबर इज n, वी विल राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाय c टू द पावर d। और इसी अप्रोच से हम लोग फर्दर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे को एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो दिया जा सकता है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो हमारे पास लेट से द नंबर इज 12, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ए टू द पावर बी मल्टीप्लाइड बाई सी टू द पावर डी, यानी कि 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 2। ठीक है, सो वॉट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसका फॉर्मूला इज b+1। ओके, लेट मी राइट ओवर हियर, b+1 मल्टीप्लाइड बाई d+1। ठीक है, सो यहाँ पे b और d क्या होगा, ये जो पावर में है दैट विल बी b एंड d। सो यहाँ पे b फॉर 3 इट इज 1, सो 1+1 मल्टीप्लाइड बाय d इज 2, सो 2+1, सो द आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इज द सम ऑफ फैक्टर्स, व्हाट वुड बी द सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स अपने अगेन वो फॉर्म लिख लेते हैं, n इक्वल्स टू 8 पर b मल्टीप्लाइड बाय c टू पावर d, और अपने पास ये था 12, 12 इज इक्वल टू 3 टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर। सो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं अपने, उसका फॉर्मूला इज 8 टू पावर 0 प्लस 8 टू पावर 1 प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, अपने को अप टू कहां तक चाहिएगा, 8 टू पावर b तक चाहिएगा। इन दिस केस 3 के 3 को यदि हम लोग a ले और 1 को हम लोग यदि पावर में देखें, सो इन दैट केस अपने लेंगे 3 टू पावर 0 प्लस 3 टू पावर 1, बिकॉज b का वैल्यू सिर्फ 1 तक है। दिस मल्टीप्लाइड बाई, अपने यहाँ पे इक्वल टू दे दे, यहाँ पे और क्या ऐड हो जाएगा, सिमिलरली सेकेंड फैक्टर के लिए, सेकेंड प्राइम फैक्टर के लिए बी टू द पावर 0 प्लस बी टू द पावर 1 प्लस अंटिल वी गेट बी टू द पावर डी। ओके, सो ऐसे ही अपने सी के साथ कर सकते हैं यदि ज्यादा फैक्टर्स हो। सो लेट से सी टू पावर 0 सी टू पावर 1 अंटिल एनी अदर वेरिएबल, लेट से के, ठीक है, एंड सो ऑन, अपने और भी यदि प्राइम फैक्टर्स हो तो। सो इस पर्टिकुलर केस में वी हैव 2 प्राइम फैक्टर्स और उसके पावर्स है हमारे पास 3 टू पावर 1 एंड 2 टू पावर 2। सो 3 टू पावर 0 प्लस 3 टू पावर 1 एंड 2 का क्या होगा, 2 टू पावर 0 प्लस 2 टू पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर। सो इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास 1 प्लस 3 दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर हो जाता है 4। सो 4 टू 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस वुड बी 4, दैट इज अपना फाइनल आंसर इज 28। तो यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स जो 12 का सम ऑफ फैक्टर्स होगा दैट वुड बी 28, दिस वुड बी द फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्ट, अगेन वी हैव टू राइट इट एज 3 टू द पावर 1 इनटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स क्या होता है, सो इसका फॉर्मूला इज n इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, n टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होल डिवाइडेड बाय 2। यानी कि यदि इस केस में हम लोग देखें तो n का वैल्यू वी हैव इट एज 12 और इसके पावर में क्या होगा, इसके पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग क्या निकाले थे, दैट इज 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 12 क्यूब। सो दिस वुड बी द टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अपना आंसर यू कैन लीव इट इन दिस फॉर्म और इन एनी लाइक यू कैन फर्दर सॉल्व इट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स आर ऑड। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे अपने को क्या करना है, अगेन लेट से वी हैव इट एज 2 टू द पावर 2 इनटू 3 टू द पावर 1। अब इसमें अपने को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने को ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, तो अपने
टू का कोई भी मल्टीपल हो या टू का जितना भी फैक्टर्स है, अपने को उसको इग्नोर कर देना और अपने सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, अदर प्राइम फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। सो इस केस में वी आर ओनली अप्लाइंग द फॉर्मूला, जैसे आपने देखे थे वहां पे, आपने क्या देखे थे, आपने देखे थे बी प्लस वन इंटू डी प्लस वन, तो यहाँ पे टू तो इग्नोर हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बी प्लस वन होगा, यानी कि बी का वैल्यू इज वन, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी प्लस वन, बी का वैल्यू इज वन, सो इट इज टू फैक्टर्स आर ऑल, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर इवन। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ऑड था, अपने पास दो ऑड फैक्टर्स थे और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने पास था सिक्स, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में डिडक्ट कर देंगे। इन दैट केस अपने पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या था, वो था सिक्स, माइनस अपने पास ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या था, वो था टू, सो इन दैट केस अपना आंसर इज फोर, यानी कि फोर फैक्टर्स आर इवन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब इस केस में अपने को क्या करना होता है, इसका रूल ये कहता है कि एनी परफेक्ट स्क्वायर हैज पावर इज इक्वल टू जीरो और अ मल्टीपल ऑफ टू। अपने इसको एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टू स्क्वायर इंटू थ्री टू पावर वन, तो टू स्क्वायर को हम लोग यदि फर्दर ब्रेक करें, टू टू पावर जीरो इंटू थ्री टू पावर जीरो, अपने बारी बारी इसके पावर्स बढ़ाएंगे, ठीक है। ये एक केस हुआ, दूसरा केस इज टू टू पावर वन इंटू थ्री टू पावर वन, अब यहाँ पे थ्री तो खत्म हो गया, एंड द थर्ड केस विल बी, यहाँ पे थ्री खत्म हो गया, इन दैट केस यहाँ पे टू स्क्वायर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ एक एक जीरोस आया और यहाँ पे एक टू आया, सो इन दैट केस यहाँ पे अपने क्या लिख सकते हैं, टू, क्योंकि यहाँ पे दो केसेस है और यहाँ पे सिर्फ एक ही केसेस है जो थ्री है, और यहाँ पे वन आएगा, इसीलिए जो अपना आंसर होगा दैट विल बी टू परफेक्ट स्क्वायर्स, टू परफेक्ट स्क्वायर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन पूछा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, पावर में जीरो होना चाहिए या फिर टू का मल्टीपल होना चाहिए, सो टू फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट। इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि अपने पहले, अच्छा इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, टू टू पावर टू इंटू थ्री टू पावर वन, इसका रूल कहता है परफेक्ट स्क्वायर में क्या तो जीरो होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ टू। अब इसी इसके केस में होना चाहिए पावर इज इक्वल टू जीरो या फिर मल्टीपल ऑफ थ्री, क्योंकि हम लोग क्यूब्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको वापस बारी बारी लिखते हैं, इंटू थ्री टू पावर जीरो, टू टू पावर वन, ये एक केस हुआ, ये सेकेंड केस इज थ्री टू पावर वन, एंड थर्ड केस इज टू टू पावर टू इंटू, अच्छा थ्री तो है ही, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहाँ पे जीरो है, क्योंकि थ्री तो है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए अपना आंसर क्या होगा, यहाँ पे एक केस वन इंटू वन, सो ओनली वन फैक्टर इज सच दैट इट इज अ परफेक्ट। क्यों, हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस देख लिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आप लोग एक एग्जाम्पल करो, लेट से आपके पास एग्जाम्पल है 120, इसको आपके पास सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको बारी बारी लिखो, पहले सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो एंड नाउ मैच योर आंसर। सो 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टू द पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव टू द पावर वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री टू द पावर वन, ठीक है। ये अपना इसका फॉर्म होगा ए टू द पावर बी इंटू सी टू द पावर डी इंटू ई टू द पावर एफ, ठीक है। सो अपने को पहले क्या फाइंड करना है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका आंसर क्या होगा, आपने पढ़े थे बी प्लस वन इंटू डी प्लस वन, ऐसे करते करते अपने आगे जाएंगे, ठीक है। सो अपने इसको कैसे लिखेंगे, बी का वैल्यू यहाँ पे थ्री है प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय डी का वैल्यू यहाँ पे वन है प्लस वन, और एफ का वैल्यू यहाँ पे वन है सो प्लस वन, इसका आंसर हो जाएगा फोर इंटू टू इंटू टू, यानी कि 16, सो इसका वैल्यू इज 16। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट विल बी द सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब सम ऑफ फैक्टर्स अपने क्या पढ़े थे, सम ऑफ फैक्टर्स अपने मतलब जीरो से शुरू करते हैं एंड अंटिल वी हैव दैट वैल्यू ऑफ पावर अपने उसको कंटिन्यू करते हैं, तो टू टू पावर जीरो प्लस टू टू पावर वन प्लस टू टू पावर टू प्लस टू टू पावर थ्री, नेक्स्ट वी हैव फाइव टू द पावर जीरो प्लस फाइव टू द पावर वन, नेक्स्ट वी हैव थ्री टू द पावर जीरो प्लस थ्री टू द पावर वन, इसको फर्दर रिसॉल्व करें तो वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस थ्री, सो अपना ये हो जाएगा थ्री सेवन फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय फोर, सो फिफ्टीन नाइनटी नाइनटी 360, अपना आंसर ये हो गया 360, टोटल सम ऑफ फैक्टर्स इज 360, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव
व्हाट इज द टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, अपने पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 16 दिया हुआ है और अपने पास जो नंबर है यानी कि n, ये अपने पास 120 है। तो टोटल प्रोडक्ट इज सिंपली 120 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 2। सो इन दैट केस अपना हो जाएगा 120 टू द पावर 8। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, 120 टू द पावर 8। ठीक है, लेट मी रब दिस आउट। सो ये कॉन्सेप्ट इजी है, ये इतना भी हार्ड नहीं है, बस थोड़े से फॉर्मूला जरूर है बट समझ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आता है करने में। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी फैक्टर्स आर ऑड। अब ऑड ऑड है तो टू तो ऑड होता नहीं, इसलिए हम लोग बाकी सारे कंसिडर करेंगे। इन दैट केस 5 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1, वही बी प्लस 1 और डी प्लस 1 वाला फॉर्मूला, यानी कि 1 प्लस 1 5 के लिए और 3 का था 1 प्लस 1। इन दैट केस 2 इंटू 2 यानी कि 4, यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना 4। अच्छा, अपना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है 16, ताकि हम लोग को इवन में कैसे मिलेगा, 16 माइनस 4 दैट इज 12। सो 12 फैक्टर्स आर इवन। नाउ हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, लेट मी रब दिस आउट अगेन। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए अपने पास था 2 क्यूब इंटू 5 टू पावर 1 इंटू 3 टू पावर 1, अपने को इसको बारी बारी लिखना, 2 0 इंटू 5 इंटू 5 टू पावर 0 इंटू 3 टू पावर 0, 2 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1 इंटू 3 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, यहाँ 5 और 3 है नहीं, और 2 टू पावर 3। सो अपने पास एक केस ये बना, ठीक है, और एक केस ये बना। सो यहाँ पे अपने पास 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 2 फैक्टर्स आर सच दैट दैट आर परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। और लास्टली हाउ मेनी फैक्टर्स आर परफेक्ट क्यूब, यहाँ पे अपने पास एक केस ये है, ये तो भूल जाओ, और एक केस जीरो वाला भी है। ठीक है, तो अगेन वी हैव 2 इंटू 1 दैट इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, सो अपना आंसर विल बी 2। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, आप एक बार अपना आंसर चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यदि आपको सब कुछ समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।